बस ये राइस को मैं रेडी कर लिया है, बना लिया है। ये कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो को मैं फ्राई भी कर लिया है, और पोटैटो को थोड़ा मैं बॉयल कर लिया था और करके मैं फ्राई कर, और थोड़ा ऑनियन को फ्राई करके रखा है। अभी पहले ये गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, ऑनियन पेस्ट, जिंजर टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ, इतनी टाइम तक मैंने बताया नहीं। आज मैं एक बिरयानी बना रही हूँ तो उसकी प्रिपरेशन अभी कर रही थी, और अभी मैं बिरयानी को इसमें एक एक करके लेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं बिरयानी का क्या हाल है। अभी मैं क्या किया, मैंने ये नीचे में एक तवा लगा दिया गैस के ऊपर, और ऊपर में एक कढ़ाई में तो पानी दे दिया, और बिरयानी को ये हांडी को मैं रख दिया है उसके ऊपर। तो चलिए अभी देखते हैं। बिरयानी तो आज संडे है, अभी मुझे बाहर जाना है थोड़ा, और कुछ मेकअप के लिए कुछ सामान लेना है, और आकर आपसे बात करूंगी। हाय, आज एक बिरयानी बनाने के लिए मैं सुबह सुबह उठी थी, आज 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे उठी थी, और उठकर मैं बिरयानी के लिए सब कुछ अरेंज किया था, और फूल गोभी और पोटैटो के साथ, और एग के साथ मैंने बिरयानी बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद जो जो काम है सुबह का, जो काम है वो सब कर लिया था। फिर मैं 11:30 बजे तक मैंने आपसे बात की थी, एक बार मैं बाहर गई थी थोड़ा, तो ये कुर्ती पहन कर ही बाहर गई, तब शादी अटेंड करना है तो उसके लिए कुछ मेकअप की कुछ चीज़ें लेना था, तो उसके लिए बाहर गई थी। टायर्ड हो गई, इतना टायर्ड हो गया मैं, तो आकर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। 3 बजे तक मैं आ गई थी, और अभी अभी जस्ट उठी हूँ आपके साथ बात कर रही। मेरा सामने मेरा बर्थडे है जनवरी में, 5 जनवरी मेरा बर्थडे है, तो मेरा सिस्टर मुझे गिफ्ट भेजा है, कार्डिगन भेजा है मेरे लिए, अच्छा कलर है, मुझे बहुत पसंद है। और अभी चाय पीऊंगी और फिर उसके बाद आपके साथ बात करूंगी। चाय बन रहा है, मेरी माँ चाय बना रही है, और अभी भी पहन लिया है विंटर के लिए, ज़्यादा ठंड नहीं आई, फिर भी मुझे जल्दी से पटक से ठंड लग जाती है, क्योंकि मेरा ये हेयर देखे हैं आप, हेयर वॉश करने के बाद एक दिन से ही मेरा हेयर ऐसे चिपक जाते हैं, बिल्कुल ऑयल ऑयली हो जाता है। और क्या है कि रोज़ रोज़ तो विंटर विंटर सीजन में रोज़ रोज़ तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती,
क्योंकि मैं जल्दी से ठंड लग जाते हैं, सर्दी लग जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खांसी होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सर दर्द होता है। ये मेरे मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ से बहुत दर्द होता है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि विंटर के सीजन में मैं सुबह सुबह उठती हूँ और पानी के साथ किचन में जाना, मतलब तो पानी बिना नहीं चलेगा। रात 11 बजे तक मुझे पानी के साथ ही रहना पड़ता है, हाथों में पानी सिंक के नल के नीचे साफ हर टाइम, और मुझे थोड़ा क्लीन करने की, ज़्यादा क्लीन करने की आदत है, मतलब सब्जी वगैरह, फिश हो, जो भी हो, चावल हो, अच्छी तरह से जब तक क्लीन ना होते हैं तब तक मैं छोड़ती नहीं। हाँ, इसलिए मुझे ठंड भी बहुत लग जाता है। ठंड लगने से मैं एक ही प्रॉब्लम होता है, ये सर दर्द होता है, और कुछ भी नहीं है। अभी विंटर के सीजन है, एक ही बात अच्छा लगता है, वो है बाहर घूमना। तो चाय तो बन गया है, अभी चाय पीऊंगी, ये बहुत सर दर्द कर रहा है। आपके साथ बात करते करते मैं चेंज भी कर लिया है, और अभी रात के लिए खाना बनाना है, एक सब्जी बनाऊंगी जो है शालगम, और पोटैटो देकर मैं एक सब्जी बनाऊंगी। शालगम को ओलगोभी भी कहते हैं कुछ लोग, तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। हाँ, सिंपल सा सब्जी है, फिर भी आपके साथ शेयर करने में अच्छा लगता है, इसलिए चलिए आपके साथ शेयर भी करूंगी और बात भी करूंगी। तो मैंने शलगम और पोटैटो को थोड़ा बॉयल कर लिया है, तो शलगम की सब्जी कैसे बनाया है आप लोग देख लिया है, और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टाटा।